नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल पे। मैं हूं कुंदन चौरसिया और आप देख रहे हैं रीवा टीवी। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ा अप टू डेट लेकर के आया हूं। जिनका भी आधार कार्ड 2015 से पहले बना है और 15 से पहले जिनका भी आधार कार्ड बना था उनका यूं ही आसान तरीका से बन गया था, उसमें किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं लगा था। और अभी सरकार के द्वारा ये अप टू डेट लाया गया है कि जिनका भी आधार कार्ड 2015 से पहले बना है उनको अपने आधार कार्ड पे कुछ दस्तावेज को अप टू डेट करवाना है, अन्यथा वो कई सारे सरकारी लाभ से वंचित रह जाएंगे। अक्सर देखा जाता है किसी का नंबर नहीं लिंक रहता है और भी कई तरीके की परेशानियां आती हैं, और इसी का समाधान करने के लिए हम पहुंच चुके हैं आधार सेंटर पे। मैं हूं अभी वैशाली जिला के गोरल प्रखंड के कटरमाला चौक पे आधार सुधार केंद्र पे। आइए हम यहाँ के जो प्रोपराइटर है इनसे बात करते हैं और इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं। आ जाइए, तो हम लोग पहुंच चुके हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे चैनल पे हम चाहेंगे कि पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम राजा बाबू हुआ, मेरा आधार सेंटर गुढ़िया में हुआ, जो कि 2015 से पहले जिन लोगों का आधार कार्ड बना था उसमें कोई अपडेट के लिए सूचित हम लोग को किया गया है, ताकि सभी लोग अपना आधार से वंचित न रह पाए। इसलिए हम सभी लोगों को सूचित करते हैं कि अपना आधार में डॉक्यूमेंट अपलोड अनिवार्य करवाना जरूरी है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई भी अगर डॉक्यूमेंट को अप टू डेट करवाना चाहता है तो क्या उसको करना क्या होगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना होगा? जैसे नाम के लिए पैन कार्ड होता है, जरूरी है, वोटर आईडी कार्ड हो गया, और ये एड्रेस के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड भी चलेगा, प्लस आपको आवासीय भी लगाना पड़ेगा। इन सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ते हैं और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ते हैं। अगर मान लीजिए किसी का नंबर लिंक नहीं है तो उसको क्या करना होगा? नंबर लिंक करवा, नंबर लिंक नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट डॉक्यूमेंट का हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। क्या चार्ज वगैरह भी लगता है ये सब कार्य के लिए? हाँ, तो जो यूआईडी का नियम है वो उसका फॉलो करना पड़ता है, उसका जो चार्ज पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए हम अभी आए हैं, हमारा भी 2015 से पहले ही आधार कार्ड बना था, तो अप टू डेट करने के लिए आपने हमसे मांगा है ये है मेरा आधार कार्ड और ये है मेरा वोटर आईडी कार्ड और ये है मेरा पैन कार्ड। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, पैन कार्ड जब मैं बनवाया था तो आप ही शायद बनाए थे और आधार कार्ड से उसको बनाए थे, तो एक्चुअल में इसको अप टू डेट जिस समय मैंने आधार करवाया अपना डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें उसी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है, तो इसको कैसे चेंज किया जा सकता है आधार कार्ड ये पैन कार्ड का डेट ऑफ बर्थ? पैन कार्ड का डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए आपको एक वैलिड गैजेट ऑफिसर का सिग्नेचर वाला चाहिए, उसके बाद ही। मतलब हम समझे नहीं इसको। जैसे पैन कार्ड का अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है आपको गैजेट ऑफिसर यानी कि विधायक या सांसद से एक फॉर्म मिलेगा, उस पर साइन करवा के लाना पड़ेगा, तब जाकर के अपडेट होगा। ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए सावधानी रखे, कभी भी कोई गलती ना करे। अच्छा, अगर कोई जानकारी लेना चाहता है घर बैठे आपसे कि हाँ हमको किस प्रकार की परेशानी है तो कैसे कांटेक्ट करेगा आपको? मेरा मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको जो भी ये हमसे हो सकता है वो आपको हम क्लियर बता देंगे। आप अगर यहीं से अगर आपके घर बैठे हुए अगर हमारे यहाँ से सोल्यूशन मिल जाता है तो और भी बेटर है। क्या मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है 7033007579। और आपका इस ये सेंटर का नाम क्या है? सेंटर का नाम वसुधा केंद्र आधार सेवा केंद्र, गोढ़िया चौक कटरमाला, गोढ़िया चौक कटरमाला वैशाली, साधुसा की मार्केट में। जैसा कि आप लोग सुने, आधार से संबंधित सारे प्रकार का अप टू डेट का सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, क्या नया आधार कार्ड आपके यहाँ बनता है? नया का हम लोग कभी ऑथराइज नहीं किया गया है, अभी सिर्फ करेक्शन का किया गया है और आने वाले भविष्य में हम लोग को मिलने का चांस है। यानी कि यहाँ पे आपको करेक्शन से संबंधित सारी सुविधाएं मिलने वाली है, अभी नया आधार कार्ड यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो करेक्शन से संबंधित सारी जानकारी के लिए इनके दिए गए नंबर पे जैसा कि इन्होंने बताया उस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारा जानकारी ले सकते हैं। और सबसे जरूरी है आपका अधिकार, आपका अपना अधिकार होता है, आधार सबसे बड़ा अधिकार है, तो आधार पे जरूर अप टू डेट रहें और सरकारी जो भी फंड या फिर जो भी कुछ आता है उससे अप टू डेट रहने के लिए अपना आपको जरूर अप टू डेट करें। हम फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।